और रहमतुल्लाह ताला की बात आ गई, तो आपने पंडित की गोद से बच्चा लिया, और बच्चा लेके 3 साल का था या 4 साल का था, यानी बोल सकता था बच्चा, है बता सकता था कि मुझे गर्मी लगती है सर्दी लगती है। आपने बच्चा लिया और बच्चा लेके सीधा आग में कूद गए, वहां पर 40 लाख लोग ये सारा नजारा देख रहे हैं। अब जैसे कूद गए तो सबको शोर मचाना शुरू कर दिया सबने कि बाबा जी ने पंडित का बच्चा जला दिया। बाबा जी का किसी को ख्याल नहीं, ख्याल किसका भला, हर किसी को अपने ख्याल होता है ना, ख्याल बच्चे का है, बाबा जी को ख्याल, बाबा जी का ख्याल किसी को नहीं है। लेकिन भला क्या हुआ, कमाल बात यह है, हर किसी को अपने का ही ख्याल होता है ना, ऐसा ही है ना, उसे अपने का ख्याल था, उसको अपने का ख्याल था, है ना, मालिक को अपने बंदे का ख्याल था, उसको अपने बेटे का ख्याल था। अब अंदर से आग के अंदर से आवाज आई, मैं आग में नहीं हूं, मैं तो बाग में बैठा हुआ हूं। बच्चा कह रहा है, क्या है मेरे वालिद, मैं आग में नहीं हूं बल्कि मैं तो बाग में बैठा हूं, मैं तो वो चीजें खा रहा हूं जो मैंने दुनिया में कभी नहीं खाई। आग की शिद्दत जो थी जो कम हुई, आप बाहर निकले आग से, सारे के सारे जितने सारे के सारे हिंदू बैठे थे सबने फौरन बाबा जी के कदमों में गिर गए। आप माते हैं मुझे मेरे कदमों में गिरने की जरूरत नहीं है, अगर गिरना है तो कमली वाले के कदमों में गिर जाएं। वो बताओ क्या कर लगे, बाबा जी हम तो कमली वाले को नहीं जानते, वो कौन है, आप मैं तुझे बताता हूं, एक मैं तो कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक ही महफिल के अंदर 40 लाख को मुसलमान कर डाला, ज्यादा टाइम अल्लाह, इसलिए तो मैं शोर मचाता हूं भला किस बात का। लोग कहते हैं शौकत साहब वो यार वो बड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, हैं वो हर जगह वही फैलते जा रहे हैं, हर जगह वही फैलते जा रहे हैं, हर जगह वही फैलते जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं यार शौकत साहब देखो यार वो शिये बड़े फैल गए, कोई कहते हैं यार कादियानी बड़े फैल गए, कोई कहते यार वो बड़े फैलते जा रहे हैं, यार क्या होना चाहिए, यार वो देखो वो चिल्लों पर जाते हैं, ये होता वो होता है। मैं कहता हूं यार घबराओ ना, अपनी नीयतों को साफ कर लो, मालिक ने अगर एक भी बाबा पैदा कर दिया ना, है एक भी बाबा हो गया, एक भी बाबा पैदा हो गया, बाबा जी ऐसी बात ही कोई नहीं है, उनकी 40-40 साल के चिल्ले करने एक बाबे की एक निगाह मारना एक बराबर आ जाएगा। एक भी मालिक एक वली को पैदा कर दे। सुल्तान महमूद गजनवी वो अल्लाह वालों से बात यह जो बादब होते हैं, क्योंकि अन्नल अर्दा यार सुहा इबादिया सालहुन, ये सारी की सारी जमीन किसकी है, अल्लाह वालों की है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने आपका तो ऐलान है ना, एक सहाबी रहते हैं तो उन्होंने फरमाते हैं कि ये जमीन की बात नहीं है, जो अल्लाह ताला की जन्नत की जमीन है वो भी अल्लाह वालों की विरासत है। तो सुल्तान महमूद गजनवी मुसलमान था। कई लोग ये कहते हैं, कई लोगों का ये नजरियात और ख्याल है कि सुल्तान महमूद गजनवी जो था ना वो इसलिए बार बार हमले करता था हिंदुस्तान पर, जो किला था ना उस किले पर इसलिए हमला करता था कि उसके अंदर जो बुद्ध थे ना उनके अंदर बड़े हीरे जो हरात थे उनको हासिल करना चाहता था। आओ जरा तारीख उठा के देखो, सुल्तान महमूद गजनवी ने 16 हमले किए हिंदुस्तान पर और हर हमले में नाकाम होता था। एक मर्तबा किसी से पूछा कि हमें हर मर्तबा नाकाम होता हूं क्या करूं, तो उसने जिससे पूछा ना, अल्लाह करे कि हम भी किसी से पूछे वो भी ऐसे ही निकले। यहां एक और बात भी ध्यान में रखें, जिसे मशवरा करें सोच लिया करें, जिसे मशवरा कर रहा हूं क्या उस काबिल है कि उससे मशवरा किया जाए, क्या वो दुनियादार तो नहीं है, क्या वो दुनिया का मालो सर जमा करने वाला लालची कुत्ता तो नहीं है, जिसे मशवरा कर रहे हैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत उसके सीने में है, मशवरा तो ऐसा दे जिससे आखिरत बन जाए। आपने किसी से मशवरा किया, सुल्तान महमूद गजनवी ने क्या मशवरा किया, मशवरा किया कि यार मुझे फतह नहीं होती क्या करूं, तो बड़ा प्यारा जवाब, बड़ा ही प्यारा जवाब, उन्होंने कहा तू किसी अल्लाह वाले के पास कभी गया, मैं तो अल्लाह वाले के पास कभी नहीं गया। उसने कहा तू अल्लाह वालों को जानता, उसने कहा हाँ मेरा यकीन है कि अगर अल्लाह वाला हाथ उठा देगा तो मुझे फतह हासिल हो जाएगी, मैं ऐसा कर तू ऐसा कर, अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला ले वहां वो बुजुर्ग रहते उनके पास चला जा। उसने कहा ठीक है मैं चला जाता हूं। सुल्तान महमूद गजनवी निकला और जाकर कहने लगा बाबा जी मैंने 16 हमले हिंदुस्तान पर किए मुझे फतह नहीं हुई, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे फतह अता फरमा दे। आपने अपने को हाथों को बुलंद किया कि अल्लाह तो उसको फतह अता फरमा देना, तेरे दीन के झंडे को बुलंद करना चाहता है। आपने अपना जुब्बा दिया, क्या दिया,
तारीख लिखती है इस बात को। हाँ, यहां मैं एक और बात भी वादा करता जाऊं, कई लोग कहते हैं कि तारीख ही गलत है, पहले जिन्होंने लिखी है वो तारीख गलत लिखी है। कई किताबों में मैंने पढ़ा है कि कहते हैं जो तारीख लिखी गई है वो गलत तारीख है। भाई तारीख लिखने वाला कोई एक नहीं था, हजारों नहीं लाखों के सामने वाकया पेश आता था फिर लिखा जाता था। लाखों की बात को रद्द कर दे और अपनी बात को मनवा ले, इसका मतलब है ये झूठा हो सकता है। लाखों देखने वाले झूठे जिनके सामने सारा वाक्य पेश आया, तो तारीख इस बात को कोट करती है। सुल्तान महमूद गजनवी चला गया और जाकर ना बाबा जी मेरे लिए दुआ करें, आपने बताया दुआ भी करता हूं, ये मेरा जुब्बा ले जा। क्या ले जा? मेरा जुब्बा ले जा, जब तुझे परेशानी आए तो ये जुब्बा सामने रख के तू दुआ करना, मेरा मालिक तुझे फतह अता फरमा देगा। सुल्तान महमूद गजनवी चला गया और जाके उसने क्या किया, उसने जाते ही जब हमला किया तो वहां तो बहुत ज्यादा लोग थे, इसकी फौज बड़ी कम थी। उसने जब देखा कि मुसलमानों को शिकस्त हो रही है, मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, तो परेशान हो गया, सोचने लगा मैं क्या करूं। सुल्तान महमूद कहता है कि मुझे किसी ने बाजू से पकड़ के कहा कि यार तुझे जुब्बा नहीं दिया था, वो दुआ तो मांग ले। तो इससे पता चलता है जो देते हैं वो पीछा भी करते हैं। सुल्तान महमूद कहता है कि मैंने जुब्बा सामने रख के और सर सजदे में रख लिया, अर्ज की बारी चला तेरे नेक बंदे का जुब्बा के सदके तो मेरे पर करम फरमा दे। सुल्तान महमूद गजनवी फरमाता है कि मैंने जब अपना सर उठाया तो मुसलमानों को फतह हासिल हो रही थी, और जब मुसलमानों को फतह हुई तो मुसलमानों को फतह होने के बाद आप फरमाते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी को जब फतह हुई तो बड़े हीरे जवाहरात लेके, तो फिर वो बुजुर्गों के पास तोहफे तो आए पे लेके चला गया। आगे अल्लाह वालों की शान देखिए कितने सादा लोग होते हैं, ये कहने लगे यार ये तू क्या लेके आया मेरे पास, हालांकि वहां कह रहे हैं कि यार तू जुब्बे का ख्याल नहीं करता, ये तू मेरे लिए किस लिए लेकर के? हजूर मैं आपसे जुब्बा लेके चला गया था, मुझे फतह हासिल हुई, इसलिए मैं आपके पास तोहफे तो आप लेके आ गया हूं। आप बताते हैं कि ये जितने तोहफे तो आए ना ये सारे के सारे मेरे मालिक के नाम पर कुर्बान कर दे, इसी में हमारी फतह के तू भी इसी जगह पर और तू भी इसी दीन पर कायम रहे और मेरी भी इस्तकामत की दुआ करके अल्लाह मुझे भी इसी में कामयाबी दे। इसी तरह शहाबुद्दीन गौरी को ले लें, हिंदुस्तान के अंदर सिवाय जलालुद्दीन अकबर के जितने भी बादशाह गुजरे हैं सारे के सारे अल्लाह के वलियों को मानने वाले गुजरे हैं। जलालुद्दीन अकबर एक ऐसा खबीस था जिसने दीन अकबरी नाफज किया था। शहाबुद्दीन गौरी को ले लें, बल्कि यहां पर मुझे एक और बात याद आ गई, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब वहां पर गए ना तो लाल किला था वहां पर, यहां पर पृथ्वी राज का बड़ा होल्ड था, उसकी उस वक्त उसकी बड़ी वहां पर बैजा बैजा उसकी हुकूमत थी वहां पर, वो जिसको चाहता तो खत्म कर देता था। वहां जब ये पहुंचे आप अपने 40 मुरीदैन के साथ वहां पर जब पहुंचे तो उसके पास एक लाल जिन था, सोचे जिन की ताकत कितनी होती है, एक लाल जिन था जिसकी बेस पर वो हुकूमत करता था पृथ्वी राज जो था। ये तारीख ने इस बात को नकल किया है, वो पृथ्वी राज उस लाल जिन के बलबोते पर सारी हुकूमत करता था। जैसे ही वो गया तो आप अपने मुरीदैन के साथ वहां पर बैठे हुए थे और जब वहां पे जाके बैठे पहाड़ के ऊपर बैठे तो उस लाल जिन ने क्या किया, पृथ्वी राज ने उसे कहा क्योंकि उसके कब्जे में था जिन, उसने कहा ऐसा कर ये नीचे बैठे ऊपर से बड़ी सी चट्टान गिरा दे ताकि जितने इसके मुरीदैन नीचे बैठे सारे के सारे घर को जाए। उसने ऊपर से गिराया, जब ऊपर से बड़ी चट्टान गिरी तो चट्टान क्या शोर कर रही है, ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती तुझे रब का वास्ता यहां से हट जा, चट्टान ने शोर करना शुरू कर दिया, ऐ मोइनुद्दीन अपने मरीजों को लेकर यहां से हट जा, आप नीचे बैठे थे आपने ऊपर निगाह उठाई, जैसे निगाह उठाई ना वो जिन गिराने वाला था वली की निगाह उसको रोकने वाली थी। आज भी जो लोग वहां पर जाने वाले हैं वो अपनी आंखों से देखे वो चट्टान आज भी वहां पर रखी हुई है, ये अल्लाह के वलियों की शान है ये। लेकिन यहां मैं थोड़े से वक्त के लिए शहाबुद्दीन गौरी की बात को शुरू करूंगा ना तो फिर बात खत्म होगा, कंप्लीट नहीं होगी, चलो कंप्लीट भी हो जाएगी लेकिन नतीजा सामने बयान करने के लिए वक्त थोड़ा रह जाएगा, चंद मिनट बाकी हैं। ये सारी अल्लाह के वलियों की शानें हमने सुनी, बातें हमने सुनी कि अल्लाह के वली करते क्या थे,
अल्लाह के वलियों ने कैसे दीन को इस्लाम को फैलाया। ये सारी बात को अपने पल्ले बांध लें कि अल्लाह का वली अल्लाह की